प्राचीन काल से ही हम सूरज देवता को पूजा करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूरज का महत्व है। सूरज से निकले किरणों के कारण धरती में जीव बसे हुए हैं। वहां से निकले लाइट से पौधे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को कर पाते हैं और हमें जीने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अर्थात प्लैनेट अर्थ में जीवित प्राणियों में एक बड़ा सा हिस्सा सूरज के किरणों पर डिपेंड है। मगर सोलर लाइट के साथ पानी भी जीवों के लिए अनिवार्य है और धरती में 70% पार्ट पानी है। परंतु यह पानी कहाँ से आया? पहले वैज्ञानिक समझते थे कि धरती के बाहर से आया बर्फ के धूल धरती पर गिरने से पानी आया था, लेकिन जापान के स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया हायाबुसा प्रोब ने एस टाइप एस्टेरॉयड 25143 इटोकावा से जो सैंपल कलेक्ट करके लाया, उसे स्टडी करने पर वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि सूरज से ही धरती में पानी आया था। रिसर्चर्स ने बताया कि सैंपल्स जांच के दौरान मालूम चला, हाइड्रोजन आयन से बना चार्ज पार्टिकल सोलर विंड के जरिए एस्टेरॉयड पर पहुंचा था और वो धरती पर जब गिरे तब धरती में पानी के मॉलिक्यूल्स भी आए थे। एस्टेरॉयड्स और सोलर डस्ट के दौरान आए पानी के प्रमाण मिलने पर अब एक नया तर्क आरंभ हुआ है। पुराने साइंटिफिक रिसर्च को माने या फिर नए वाले को। धन्यवाद।